हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हम किए थे, तो इस लेक्चर में हम करेंगे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड का। होपफुली इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले करवाए हैं, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, ये जो क्वेश्चन है वो हम इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले करवाए हैं, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, तो उसी का एक प्रॉब्लम है। इसमें आपसे पूछ रहा है, दिया हुआ है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ है, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर का करंट इसमें मूव कर रहा है और ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का एकदम बस बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसमें इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का जो कंसेप्ट है वही हम यूज करेंगे। तो जैसा कि इसमें हम बताए थे कि जब भी लॉन्ग वायर हो तो उसमें यूज करते हैं म्यू नोट बाई 4πI/a sin θ1 + sin θ2। एग्जैक्टली इस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन किए भी हैं पहले, तो उस क्वेश्चन को अगर देखें तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मच ईजी उसके रिस्पेक्ट में। तो इससे बहुत सारा टफ क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और इसी सीरीज में, जो ये सीरीज चल रहा है, इसमें हम EMI, मैग्नेटिक फील्ड, AC, इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, ये सारे चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है, तो म्यू नोट I/4πI/a sin θ1 + sin θ2। तो इसमें आपसे क्या क्या रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट ओरिजिन। तो आपको ओरिजिन पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड और उसका डायरेक्शन भी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। एक करंट इधर जा रहा है, इधर से करंट समझिए कि I करंट आया, 10 एम्पियर का करंट, इधर होते हुए R पॉइंट से होते हुए इधर वापस निकल गया, और एक करंट है जो कि X एक्सिस से आ रहा है, 10 एम्पियर का करंट, इधर से S पॉइंट से पास होते हुए इधर से वापस लॉन्ग इनफाइनाइट वायर पे चला जाएगा। तो आप बताइए कि इस वायर के वजह से, यानी कि इस करंट के वजह से, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट ऑफ इट्स ओरिजिन ऑफ दिस X/plane। तो ये आपका X/plane आपको क्लियरली दिख रहा है, इधर X है इधर Y है, तो X/plane में करंट जो है इधर L लेंथ इधर मूव किया और इधर क्या है, इनफाइनाइट लेंथ। तो आपको बताना है इसके वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, सेंटर या एट ओरिजिन, डायरेक्ट सेंटर में, एट ओरिजिन। तो आपको बताना है कि इसके ओरिजिन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यह इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, जो कि IIT 1989 में ये क्वेश्चन पूछा है। बहुत क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, इससे बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो जैसा कि इसमें हम क्या डील करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर हम इधर, अगर करंट आई जा रहा और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर डी हो, यहां पे ए है और ये जो एंगल बनाता है ये आपका हो जाता है θ1, और ये जो एंगल बनाता है ये आपका हो जाता है θ2। तो ये वाला जो एंगल है ये θ1 है और ये वाला एंगल जो है θ2 है। तो ये आपका हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर वहां से कोई भी वायर है, वहां से हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि यहां पे ए है, म्यू नोट बाय 4π, और दूसरा इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और उस पॉइंट से थीटा एंगल, यानी कि अगर इस फिगर को इधर बनाए हम, तो कुछ ऐसा समझिए कि लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, यहां से जो डिस्टेंस है ये डी डिस्टेंस है। अब इस पॉइंट को, इस अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो बहुत दूर तक जाएगा, और यहां से जो एंगल हम सस्टेन करता है यहां पे, तो ये आपका हो जाता है θ1, और यहां से अगर हम इसको मैच करवाएं तो ये जो एंगल हो जाएगा ये θ2 हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, म्यू नोट बाय 4π, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस sin θ1 + sin θ2। अब बहुत कमाल की बात है,
कि ये तो ठीक है कि जो इनफाइनाइट वायर है उसके लिए ये कंसेप्ट है और ये हम यूज कर लेंगे, तो इतना इजी तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं होगा कि सिंपली एक ये फॉर्मूला लगा दीजिए और ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और जेई एडवांस 1989 में पूछा गया, तो बस एक कंसेप्ट आपका तो क्लियर बहुत इजी हो जाएगा। और वो किस में लगेगा, ये फॉर्मूला एक इसमें लग जाएगा क्योंकि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, लेकिन ये फाइनाइट वायर है और इसका लेंथ एल दे दिया हुआ है। सो दिस कंसेप्ट इज वैलिड ओनली फॉर लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, दिस इज नॉट वैलिड फॉर फाइनाइट वायर, यानी कि ये इनफाइनाइट के लिए ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट के केस में थीटा 1 दैट इज इक्वल टू थीटा 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा 1 का वैल्यू थीटा 2 के बराबर होता है, थीटा 2 का वैल्यू थीटा 3 के वैल्यू, कब? जब ये लॉन्ग हो जाए यानी बहुत दूर तक जाए, तो हम क्या समझ लेते हैं कि ये 10 to 90 डिग्री हो जाए। इनफाइनाइट का कंसेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन जब हम बात करें फाइनाइट की तो क्या होगा, क्योंकि ये जो करंट है यहां से जो 10 एम्पियर का करंट है, सारा सर्किट में 10 ही एम्पियर का करंट मूव कर रहा है, और ये जो सर्किट है ये कहीं ना कहीं पासिंग थ्रू क्या हो जाएगा इस पॉइंट से। तो जैसा कि मैग्नेटिक फोर्स पे हम बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, इसी सीरीज में बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं, उसमें हम क्या यूज करते हैं, FM, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होता है आई डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस बी। तो ध्यान से देखिए इसमें डीएल क्रॉस बी क्या होता है, तो करंट तो सब में आई करंट मूव कर रहा है, डीएल का डायरेक्शन किधर होता है, तो डीएल का जो डायरेक्शन होता है उधर ही होता है जिधर डायरेक्शन होता है करंट का, यानी कि इधर इसका डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा, तो करंट जिधर मूव कर रहा है उधर डीएल का डायरेक्शन होगा। अब ध्यान से देखिए इसमें आपको डीएल क्रॉस बी निकालना है, तो डीएल भी उधर ही है और बी भी वही है। ध्यान से देखिए इसको अगर हम उसी पॉइंट से होके गुजारें तो जब भी हमको फोर्स निकालना है तो यहाँ पे इसके वजह से जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये उसी से पास कर रहा है। अब इसको अगर आगे एक्सटेंड करें, इसको हम आगे अगर एक्सटेंड करें तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट ओ से ही जाएगा, क्योंकि ये क्या है एक्स एक्सिस की तरफ है और इस जो है ये फाइनाइट लेंथ है, तो इसके वजह से अगर हम देखें इसको एम नाम दे दिए हैं, इसको हम लेट्स इसको इसको हम दे देते हैं, ये आपका एम है और ये इसको क्यू। तो क्यू और एम के केस में क्योंकि ये फाइनाइट है, इसका समथिंग कुछ लेंथ है करंट आई पास, और तो लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो जब भी हम यूज करते हैं तो आर क्रॉस एक तो हम लिखते हैं वी क्रॉस बी, वहां से जब चार्ज क्यू रहे तब हम FM के लिए हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के लिए, ये वी क्रॉस बी, और जब ये करंट इसमें पास करें तो DL जो होता है आप ऐसा समझिए कि इसका एलिमेंट्री पार्ट है, तो DL भी उधर है और मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से कुछ भी होगा तो दोनों के बीच का एंगल जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू दिस वायर, दिस फाइनाइट वायर जिसका लेंथ L है, इसका लेंथ भी आप समझ सकते हैं L है, यानी कि जो एक चार्ज है जिसका लेंथ आपको L दे दिया हुआ है, बाकी इसका तो कंसेप्ट क्लियर है, ये वाला कंसेप्ट हम यूज कर लेंगे, लेकिन इस कंसेप्ट के लिए इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए जिसका लेंथ L है उसके लिए हम क्या करेंगे, तो DL क्रॉस B करेंगे, जिसके वजह से ये क्या आ जाता है करंट का डायरेक्शन भी वही होगा, तो इसमें जो डायरेक्शन होगा डीएल और बी के बीच में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स आई तो करंट कुछ रहेगा और डीएल इंटू बी साइन जीरो, क्योंकि सिंपल सा बात है ये उसी पॉइंट से होके पास कर रहा है तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल यहां पे आपको क्लियरली जीरो दिख जाएगा। किसके केस में? फाइनाइट। एग्जैक्टली इसके केस में भी क्या हो गया, ये इधर आएगा और दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, तो फिर हम लिखेंगे FM दैट इज इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी, तो डीएल क्या है, डीएल का डायरेक्शन भी उधर ही है, तो यहां से करंट आई रखें और डीएल यानी स्मॉल लेंथ को डीएल लेते हैं, इसका टोटल लेंथ एल है तो एल का लेंथ भी उधर ही है, तो इसका अगर पार्टिकुलर लेंथ जो इसको एलिमेंट्री पार्टिकल ले, इसका अगर एलिमेंट ले इट्स एलिमेंट दैट इज डीएल, इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। एग्जैक्टली इसका भी एलिमेंट क्या हो जाएगा,
डीएल हो जाएगा, टोटल लेंथ एल है और इसका एलिमेंट्री पार्ट डीएल हो जाएगा। तो डीएल क्रॉस बी करते हैं तो दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से होके जा रहा है, परपेंडिकुलर नहीं है। आप ध्यान से देखिए, इसके केस में परपेंडिकुलर है, ओ पॉइंट से निकालेंगे तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। इसके केस में क्या है, दोनों सेम ही है, तो ये आपका आ जाएगा जीरो। किसके केस में, फाइनाइट के केस में, और इनफाइनाइट के केस में तो हम ये कंसेप्ट यूज कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है, फाइनाइट के केस में अलग कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, इनफाइनाइट के केस में हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे। तो दोनों के लिए अलग अलग कंसेप्ट है, जिसके वजह से इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और वैसे भी जब हम बताते हैं रोटेशन पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे टॉर्क, वी टॉकिंग अबाउट द टॉर्क। टॉर्क अगर उसी पॉइंट से होके जाए तो इसमें हम यूज करते हैं आर क्रॉस एफ, तो इसको कहते हैं टॉर्क। फोर्स अगर उसी पॉइंट है, अब डीएल जो होता है इसको आप या तो करंट का डायरेक्शन ले लीजिए या इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं, इट इज पोजिशन वैक्टर, पोजिशन वैक्टर याद रखिए। डीएल जो है एक तो करंट का डायरेक्शन कभी कभी वहां से ले लीजिए, और कभी कभी ये पोजिशन वैक्टर की तरफ बिहेव करता है। तो पोजिशन वैक्टर भी इधर है, डीएल भी इधर है, दोनों का डायरेक्शन, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना कहाँ है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है ओरिजिन पे। यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन एट ओरिजिन। आपको सारा चीज ओरिजिन के खिलाफ लेना, तो इधर इसका क्या आ जाएगा, इसका पोजिशन वैक्टर, जिस पोजिशन की तरफ आपको शिफ्ट करना है तो पोजिशन इसका क्या हो जाएगा, ओ पॉइंट के अबाउट अगर हम ले रहे हैं इसका पोजिशन उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो पोजिशन भी उधर है, करंट भी उधर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या बन जाएगा, साइन जीरो। एग्जैक्टली इसके केस में भी बनेगा, तो दोनों के केस में जीरो बन जाएगा। और यही हम टॉर्क लेते हैं कि टॉर्क जब भी आपको निकालना हो तो अगर वो उसी पॉइंट से होके जा रहा है, टॉर्क अगर उसी पॉइंट से होके जा रहा है तो एंगल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो याद रखिएगा कि कभी भी, यहाँ तो आगे एक्सटेंड किए क्लियरली दिख रहा है, अगर हमको पीछे भी एक्सटेंड करना पड़े, इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करें, अगर वो उसी पॉइंट से होके जा रहा है तो उसका टॉर्क जीरो होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी वजह से यहाँ फोर्स जीरो हो जाएगा। तो L यानी कि Q जिसका लेंथ L है उसके वजह से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, और इसके वजह से भी मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके इनफाइनाइट के केस में, तो हम सिंपल सा यू यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक तो थीटा वन इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि ये इनफाइनाइट है, लेकिन ये इस केस में और बनाता तो साइन थीटा वन, इसके केस में क्या हो जाएगा, थीटा वन दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट क्योंकि इसको अगर इससे मैच करवाते हैं, व्हेन वी आर कनेक्टिंग दिस टू वायर, तो ये आपका अगर थीटा वन है तो इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा, थीटा वन दैट शुड बी 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट है, इसके बीच का जो ये एंगल आएगा ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। एग्जैक्टली इसके लिए भी अगर हम इस पॉइंट को दोनों को कनेक्ट अगर हम करें, दैट शुड बी आल्सो जीरो। तो ये भी जो एंगल बनेगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा वन, तो थीटा वन शुड बी 90 डिग्री हैंस। एंड थीटा टू, क्योंकि इधर इसका कोई कंपोनेंट नहीं है तो थीटा टू कहीं बन ही नहीं रहा है, तो थीटा टू नहीं बन रहा है तो थीटा टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो थीटा वन का वैल्यू आपको क्या 90 दिखा, और थीटा टू क्या हुआ, दैट शुड बी जीरो। हैंस इन दिस केस ऑल्सो थीटा वन दैट इज जीरो, और इधर आगे एक्सटेंड होता तो उसको हम मैच करवाते। ध्यान से देखिए, इसको अपर वाले मैच करवाते हैं, ये वाला मैच करवाते हैं। अब एक साइड है यानी कुछ इसका इस साइड है, ऐसा है, तो एक साइड है एक साइड नहीं है, तो एक एंगल है एक एंगल नहीं है, तो एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है और दूसरा एंगल जो है वो क्या है, जीरो। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम सारे पॉइंट को कंक्लूड करेंगे, आपको सारा समझ में कंसेप्चुअल किसके केस में ये भी आप समझिए कि इधर से लॉन्ग इनफाइनाइट, इसका लेंथ एल नहीं, इसको भी आप समझ लीजिए कि इनफाइनाइट है, इधर से भी इनफाइनाइट है। तो इस क्वेश्चन में आप दोनों को इनफाइनाइट, मतलब कि आप ऐसा समझिए कि चार इनफाइनाइट क्वेश्चन है, तो इसका लेंथ फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट ही रखते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन जो है लॉन्ग इनफाइनाइट वायर पे बेस्ड हो जाएगा।
तो उससे कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें सारा इनफाइनाइट दिया हुआ है, मतलब एक भी लेंथ इसमें फाइनाइट नहीं है। तो इसके केस में हम निकालेंगे, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे हर बार की तरह, म्यू नोट बाई फोर पाई आई बाई ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, हर बार की तरह। तो इस दोनों के लिए तो पहले हम क्लियर कर लें कि थीटा वन जो है 90 है और थीटा टू जीरो है, तो इसमें जब पुट कर दीजिए और दोनों को क्या होगा, अब ध्यान से देखें दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। और हम इसके केस में बताए थे कि जब दो वायर हो और वायर का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो क्या होता है, ऐड होता है, और जब सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होता है, रिपेल होता है। तो ये हम पहले कंसेप्ट, इस टाइप का कंसेप्ट बताए हैं कि जब दो वायर हो और दोनों वायर आपस में पैरेलल हो और बीच का गैप आपको समझिए कि डी है, इसमें जो करंट मूव कर रहा है वो आई वन है और इसमें जो करंट मूव कर रहा है वो आई टू है, और अगर दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, मतलब समझिए रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगता है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस आप समझिए कि उसमें रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगेगा। दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन के केस में ऐड हो जाता है, और अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव मोशन के वजह से दोनों में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, बस इतना ही समझिए। आप रिलेटिव मोशन से समझिए, आपको समझना और याद रखना इजी हो जाएगा, बाकी किस टाइप से लाया है ये हम प्रीवियस लेक्चर में हम डेराइव करके लाए थे। और इसका वैल्यू क्या हो जाता है, अगर डी डिस्टेंस है टू म्यू नोट बाई टू पाई आई वन इंटू आई टू बाई बीच का गैप डी, तो ये आपका इतना फोर्स लग जाता है। तो क्या हो जाता है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब क्या होगा, इसका जितना आएगा, अगर इसका बी वन आया और इसका बी टू आया तो क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन। तो इसके वजह से अगर बी वन है और इसके वजह से बी टू है तो क्या हो जाएगा, बी वन प्लस बी टू। अब ध्यान से देखिए, इसमें सिंपली पुट कर देंगे थीटा वन दैट शुड बी 90 एंड थीटा टू शुड बी जीरो, क्योंकि कुछ अगर नहीं है तो जीरो है। अब ध्यान से देखिए, एक पार्ट है इसमें, बस इतना ही है, इधर इनफाइनाइट है, इधर आगे इनफाइनाइट नहीं है, तो बस एक ही साइड है, ये इनफाइनाइट है, तो एक ही साइड आएगा, थीटा वन शुड बी जीरो एंड थीटा टू अगर कुछ है ही नहीं तो क्या है, जीरो है, बस इसमें पुट करेंगे। अब ध्यान से देखें, नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके वजह से बी वन है और इसके वजह से बी टू है, सिमिलरली ऐड कर देंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा म्यू नोट बाई फोर पाई आई, अब बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको क्या दे दिया हुआ है, 0.02, बस रख लीजिए, साइन थीटा वन रख देंगे 90, तो वन साइन 90 और ये क्या हो जाएगा, साइन जीरो। तो इसको अगर हम यूज करें, इसका वैल्यू अगर हम बी वन रखें तो मैग्नीट्यूड तो बी वन का भी वही होगा जो बी टू का होगा, क्योंकि बीच का गैप भी सेम है, करंट भी सेम है, सब कुछ सेम ही है, थीटा वन भी 90 है, उसमें भी थीटा वन 90, यानी सब कुछ है, तो बी वन का वैल्यू भी वही होगा मैग्नीट्यूड में जो बी टू का होगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, म्यू नोट बाई फोर पाई का वैल्यू आपको पता है 10^-7, करंट इसमें 10 एम्पियर का मूव कर रहा है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0.02, और यहाँ साइन 90 वन और ये जीरो हो जाएगा। तो ये आपका क्लियरली यहाँ से आ जाए 2 × 10^-2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा 10^-5 × 5, इतना आपका टेस्ला आ जाएगा। अब इसी को क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे, 10^-5 आएगा और यहाँ से आपका 5 आ जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 2 × b1, तो यहाँ से एक का आ रहा है, तो 10 × 10^-5 टेस्ला, यानी कि 10^-4 टेस्ला इसका वैल्यू आ जाएगा। अब इसके वजह से जीरो क्यों आएगा ये हम अभी बताते हैं, और दोनों ऐड क्यों हुआ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इसमें आई वन है और इसमें आई टू है, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करेंगे, और अगर डायरेक्शन सेम है, अगर डायरेक्शन सेम है तो एक दूसरे को रिपेल करता है,
इसमें क्या होता है, सेम डायरेक्शन में रिपल्सन होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन के वजह से ऐड हो गया, और रिपल्सन के वजह से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। बस इतने ही कंसेप्ट है। अब बाकी इसके वजह से देखते हैं, ये इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है, अब इसके वजह से जीरो क्यों होगा, बस बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, बस यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ज्यादा हम कोई नया नया फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, यही। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये आपका आगे। और इसके केस में आप ध्यान से देखिए, ये इसी पॉइंट से कहीं ना कहीं होके जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, जब इसी पॉइंट से होके जा रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, यानी ए दैट शुड बी जीरो, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो जो भी लाइन अगर उसी पॉइंट से होके जा रहा है, तो ये टॉर्क वाला कंसेप्ट भी कभी कभी आप लगा लीजिए। तो फिजिक्स में बहुत सारा चीज जो है ना, लॉजिक मत देखिए, बस बहुत सारा चीज रिपीट करता है। हीट देखेंगे तो हीट में भी हम देखेंगे पैरेलल सीरीज, करंट में भी हम देखते हैं पैरेलल सीरीज, यहाँ भी रिलेटिव मोशन आपको दिख रहा है तो दोनों ऐड हो रहा है, रिलेटिव मोशन जब हम पढ़ाएंगे प्रोजेक्टाइल में तो वहाँ भी ऐड हो जाता है, हालांकि यहाँ पे ऐड वाला कंसेप्ट नहीं है, तो जो हम पहले कंसेप्ट बताए हैं तो वो भी कुछ नहीं, मतलब वो भी कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसे याद रख के नहीं आप काम कर सकते, बट इसका वैलिड रीजन हम बताएंगे, तो ए शुड बी जीरो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसी पॉइंट से होके जा रहा है, ये इनफाइनाइट तो है, लॉन्ग वायर भी है, लॉन्ग वायर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसी पॉइंट से होके जा रहा है, तो जब ये इसी पॉइंट से होके जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी जीरो, क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि मॉड ए, यानी कि वहां से जो परपेंडिकुलर गैप है, यानी कि यहां पे जो डी है वो जीरो हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, ये वायर अगर इसी पॉइंट से होके चले तो क्या हो जाएगा, जीरो हो तो हो ही जाएगा ना, ये जो वायर है इसमें करंट सपोज डेट आई मूव कर रहा है, और ये वायर अगर आगे शिफ्ट हो गया, कितना से शिफ्ट हो जाए, डी से शिफ्ट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये इसी पॉइंट से होके जा रहा है ना, तो उस पॉइंट के वजह से उसमें तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा ना, उसके वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो वहां पे नहीं होगा, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे डी बराबर जीरो है, तो जब डी बराबर जीरो है तो आप समझ लीजिए कि उसके वजह से जीरो हो जाएगा। आप ऐसा कीजिएगा तो वन बाई जीरो समथिंग इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट है उसके वजह से जीरो ही हो जाता है, ऐसा नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी इनफाइनाइट होगा, तो आप ऐसा कीजिएगा आई करेंट तो है ही, यहां से इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट नहीं हो जाता है, उसके वजह से जीरो हो जाता है, दैट शुड बी, आप ऐसे समझिए या उस कंसेप्ट से समझिए, जैसे भी समझिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसके वजह से यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू, एंड इसको एम देते हैं, क्यू एंड एन शुड बी जीरो, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बी जीरो, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो ये आपको क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम।